सुनवाई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कमलनाथ सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं विवेक कृष्ण तनखा द्वारा दायर इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर सरकार को बड़ा झटका दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पवई विधानसभा सीट से चुने गए बीजेपी के प्रहलाद लोधी मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी पर रोक लगाई थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में पवई सीट से चुनाव जीते बीजेपी के प्रहलाद लोधी को भोपाल विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लोधी की सजा पर 7 जनवरी 2020 तक रोक लगा दी थी। इसी दिन इस केस की अगली सुनवाई होना है। भोपाल जिला अदालत के फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता निरस्त कर दी थी। उनका विधानसभा का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने प्रहलाद लोधी को गाजीबाजी के साथ विधानसभा ले जाने की तैयारी कर ली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने आदेश के माध्यम से जो हाई कोर्ट का आदेश है उस आदेश के लिए यथावत रखा है। अब उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से बहाल हो जाना चाहिए और मैं और हमारा विधायक दल विधानसभा के आगामी 17 दिसंबर से जो सत्र हो रहा है इस पर हम इस विषय पर चर्चा करवाएंगे। मैं मानता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के हितों का संरक्षक होता है, लेकिन यह अध्यक्ष जो हैं ये संरक्षक ना होकर एक प्रकार से भक्षक हो गए और इस कारण से हम इसी तरह से इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे, इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ में सदन में। वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रहलाद लोधी को 1 महीने तक उनके कर्तव्य का पालन नहीं करने दिया गया, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रिविलेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार और विधानसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह से विधायक प्रहलाद लोधी जी के प्रकरण में राजनीति की, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका करारा जवाब दिया। कल्पना करें, 2/11 को निचली अदालत ने प्रहलाद लोधी जी के खिलाफ में एक फैसला दिया सजा का। अकेला 3 तारीख मिली और 4/11 को अध्यक्ष जी ने उसको सदस्यता समाप्त करने का चुनाव आयोग को भेज दिया। 6/11 को हाई कोर्ट का निर्णय आ गया और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 6/12 है, 1 महीना हो गया एक असंवैधानिक काम, एक इलीगल काम के कारण से एक विधायक को अपने विधायी कर्तव्यों को पूरा नहीं करने दिया। संसदीय अपराध मध्य प्रदेश की विधानसभा के सचिवालय के कहने पर अध्यक्ष ने किया, जो बहुत ही चिंताजनक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो बात कही उसी को सच माना। हम पूरी विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं कि प्रहलाद लोधी जी के द्वारा उनको उनके कर्तव्यों का पालन 1 महीने तक नहीं कर देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रविले जा सकता है क्या, विशेषाधिकार भंग की सूचना दी जा सकती है क्या, और अगर यह दी जा सकती होगी तो हम देंगे, जिससे भविष्य में कोई विधानसभा अध्यक्ष किसी सदस्य के अधिकारों के खिलाफ इस तरह का न करे। हठधर्मता कारण सिर्फ इसलिए कि अल्पमत की सरकार है, और कैसे हम विधायकों की विधायकी समाप्त करके अपनी सरकार बचाएं? न खाद की चिंता करें, न प्याज की चिंता करें, सिर्फ सरकार बचाने की चिंता करें, ये चिंता की बात है, ये निंदा की बात है और मैं घोर निंदा करता हूं। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि प्रहलाद लोधी सदन में नहीं जा पाएंगे। प्रहलाद लोधी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय कुछ लिया ही नहीं। सरकार के सारे उनसे संबंधित जो भी निर्णय है वो विधानसभा का निर्णय, विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय, तो जो विधानसभा महोदय के अध्यक्ष के जो निर्णय हैं
उन निर्णयों का पूरा जवाब, उन निर्णय पे कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष महोदय को करनी है, और विधानसभा न्यायपालिका अपनी अपनी दो एक अलग संस्थाएं हैं, और जो निर्णय न्यायालय का आएगा यदि उनकी मान्यता जो सदस्यता है यदि न्यायालय उनके बहाल करता है तो वो विधायक रहेंगे, यदि सदस्यता बहाल नहीं करता है न्यायालय तो वे सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि न्यायालय और संविधान ने ही उनकी सदस्यता अमान्य करी है 2 वर्ष की सजा होने पर। उधर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि विधायक प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। स्पीकर ने विधायक को असंवैधानिक तरीके से अयोग्य घोषित किया था। प्रदेश सरकार ने घटिया हरकत की और 1 महीने तक क्षेत्र की जनता को अपने जनप्रतिनिधि से वंचित रखने का महापाप किया। बता दें कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म होने से तिलमिलाई बीजेपी लगातार विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रही है। पार्टी ने इस मसले पर राज्यपाल से दखल देने की मांग भी की थी। बाद में उसने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कैविएट दायर की। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा फिर जोश में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।